बढ़ती महंगाई इन दिनों देश की प्रमुख समस्या के रूप में देखी जा रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में आज एक अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता इंजीनियर दीपक सिंह की अगुवाई में आज रीवा कलेक्ट्रेट के सामने महंगाई के विरोध में प्रतीकात्मक फांसी लगाई गई। जिला प्रशासन को सौंपा अपने ज्ञापन में कांग्रेस नेता ने गुहार लगाई कि जिले की जनता इन दिनों भीषण महंगाई से त्रस्त है। 2 वर्षों से कोरोना के चलते लोग बेरोजगार हो गए और उसके बाद इस महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रीवा में आज पेट्रोल की कीमत 122 हो चुकी है, जबकि गैस सिलेंडर 1000 रुपये पर पहुंच गया है। ऐसे में राष्ट्रपति के नाम संबोधित अपने ज्ञापन में उन्होंने जल्द से जल्द सरकार से महंगाई कम करने की मांग की है। आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं शहर उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह और हमारे साथ में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव जी उपस्थित, कुतेजा खान, जाहिदा बेगम और पूर्व युवक कांग्रेस के रामकीर्ति शर्मा द्विवेदी जी उपस्थित, कई सारे लोग उपस्थित हैं। हम लोग आज इस वजह से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी का विगत समय रहा है, सरकार को कम से कम ये चाहिए कि कोरोना महामारी से लोगों के रोजगार धंधे बंद हुए हैं, पर एक साल के अंदर 30 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। यदि आप हिसाब लगाइए कि 1947 से यही महंगाई का दर चालू रहता तो आज शायद पेट्रोल डीजल की कीमत 10,000 रुपये होती। मेरा निवेदन ये है कि लोगों की आय दर नीचे होती जा रही है और महंगाई सतत रूप से ऊपर होती जा रही है। तो मैं आज यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर रीवा, जिला रीवा कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने आया हूँ और यहाँ के PMO साहब को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में जो भी वैक्सीन लगी थी वो भी फ्री लगी हुई थी। आज आप पेट्रोल डीजल की टंकियों के सामने अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगा के क्या दिखाना चाहते हो? ये बेशर्मी की हद होती है ना। यदि कोई PM केयर फंड के बारे में आपसे पूछता है तो ये बताते हैं कि यो सरकारी चीज नहीं, यो सूचना के अधिकार में नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत देश का प्रधानमंत्री सरकारी है? और यदि प्रधानमंत्री सरकारी है तो PM केयर फंड और प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा हुआ पैसा भी सरकारी है और सूचना के अधिकार से उसको ऑडिट कराना चाहिए और वो जनता का अधिकार है कि वो देना चाहिए। और जिस तरह से रसोई गैस के दाम सतत रूप से 25-30 रुपये तो ऐसे बढ़ा देते हैं जैसा मजाक सा सूझ रहा है ना। और रीवा के अंदर यदि पेट्रोल डीजल की बात करें तो कल मैं डलवा रहा था 121.40 रुपये पेट्रोल हो गया भाई साहब, और क्या कहते हैं 112 रुपये डीजल हो गया। आप जब GST लेके आए थे तो आपने कहा था GST के दायरे में सारी चीजें रहेंगी, यहीं पर इलाहाबाद चले जाते हैं तो 10-12 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाता है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पेट्रोल डीजल पे सतत रूप से टैक्स लगाकर कोरोना से जो बची हुई जनता है, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में कोरोना से तो लोग बच जाएंगे, पर जिस तरह से ये पेट्रोल डीजल और महंगाई पे टैक्स, यानी सामानों पे, दैनिक उपयोग की चीजों पे टैक्स लगता जा रहा है, लोग महंगाई से मर जाएंगे। आज ही हम लोगों ने सांकेतिक रूप से आत्मदाह किया है, पर आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है कि यदि आप डेली पेपर पढ़े तो महंगाई की वजह से कहीं उत्तर प्रदेश में 10 लोग मर गए, कहीं कुछ लोग मर गए, किसान भी मर रहे हैं। यानी ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है और ये जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक महंगाई कम नहीं होगी। धन्यवाद। आगे आज आपने सांकेतिक रूप से देखा है, यदि ये दीपक सिंह को कहीं जाना पड़ जाएगा, भगत सिंह बनने की जरूरत पड़ेगी, तो पूर्णतः आज सांकेतिक रूप से हम लोग भगत सिंह जैसे उपस्थित हुए हैं, पर आने वाले टाइम में रियल के भगत सिंह बन के हम इस दुनिया से निकल जाएंगे, क्योंकि साहब ये महंगाई अब मैं तो नहीं सकता। ये रीवा की जनता, जहां पे भी मैं जाता हूं, रीवा की जनता का भी यही निवेदन है और चैलेंज भी है कि यदि महंगाई बहुत जल्द कम नहीं होती है तो हर दिन कहीं ना कहीं आंधी की घटनाएं सुनने को मिलेंगी।